ये हम स्टाफ में दाने निकाल रहे हैं। ये देखे जी, अभी हमने इसके अंदर थोड़ा खाली किया है, स्टाफ के अंदर ये पूरे दाने डाल दिए हैं। अभी ये मेरा भाई इसके अंदर डाल रहा है पानी, ये पानी से इसको भर देगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो जब वो भर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो पानी में इसके अंदर पानी डाल के ये इसको टब को भर देंगे तो फिर इसके अंदर से हम छांटी करेंगे, ये सफाई करेंगे। ये सफाई वाला सारा मैार इसमें से सारा सामान इसमें से निकालेंगे। ये इस तरह से आपने दानों को मतलब हिलाना है अच्छे तरीके से। टब के अंदर डालने का ये फ़ायदा है कि आपके दाने जो है ना ज़्यादा वो नहीं होते, जहर नहीं होता। जितना आप हिलाएंगे दानों को उतनी मैल निकल के बाहर आएगी। उसके बाद आपने इनको सुखाने के लिए धूप में रखना है। ऐसे कैसे ऐसे ये देखें सारी मैल दानों में से निकल के ऊपर आ गई। छानने के अंदर हम इसको निकालेंगे। जितना गंदा पानी है और जितनी मैल है मिट्टी है वो सारी बाहर निकल गई। तो कोई उसका पसंद चाहिए जो लिया जिसने कहा बेड़ा खुला हुआ है ना वो दाने तो है। ये इस तरह से आपने दाने पिला देना, दाने पिलाने से पहले आपने फर्श को धोना जरूर है, मत पता लगे आटे की तुमने क्रीच पेश नहीं। तो अब हमने ये दानों को दो दिन तीन दिन हमने इसको सही अच्छी तरह से धूप लगवाई है। धूप बड़ी कड़क थी, ये सारे दाने सूख गए हैं, साफ हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखें हमने दाने किस तरह से धोए थे। ये चार दिन मैंने आपको शूटिंग करके बताई है सारी। ये देखें जी ये दाने धुले गए। ओह माय गॉड, ये देखें जी दाने, ये देखें जी दाने।